नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। यहां राजनीतिक नेता एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुड़ा ने एक विवादित बयान देकर सियासत में हलचल मचा दी है। गुड़ा ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारे को लेकर विवादित बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है। गुड़ा ने चुनावी सभा में सवालिया लिहाजी से पूछा कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। गुड़ा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। ये घटना 29 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहां सुल्ताना कस्बे में गुड़ा की चुनावी सभा आयोजित की गई थी, जहां उन्होंने जनता के सामने सवाल उठाया कि आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद कहना संविधान में कब से मना हो गया है। वहीं गुड़ा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। वायरल वीडियो में गुड़ा कह रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसे पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया था। पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली में है। हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान में भारत का झंडा रोहण किया जाता है। भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कौन से संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते। गौरतलब है कि हमेशा अपने भाषणों को लेकर गुड़ा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इस बयान के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के फायरब्रांड नेता और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, ये देशद्रोही की श्रेणी में आता है और पुलिस को इस मामले में जांच करवानी चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और गुड़ा का बयान देशद्रोह है। वहीं कांग्रेस नेता भी इस बयान को गलत और देश विद्रोही बता रहे हैं। गुड़ा के इस बयान के बाद सियासत में हलचल मच गई है। चारों तरफ से उनके इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि गुड़ा के इस बयान से आगामी चुनावों में इसका क्या असर होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसको एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान नई दिल्ली में है और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा रोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? कौन से संविधान में पाकिस्तान आप जिंदाबाद।